इन चीखों, इन तस्वीरों पर किसी भी आदमी का दिल बैठ सकता है, लेकिन एक शर्त है, उस दिल में धड़कने बाकी भी है। तो हुआ क्या था, गुनाह क्या था, या फिर यह हिंदुस्तान में बहाई जा रही पाकिस्तान की कल्पनाओं का कातिलाना रूपांतरण भर था? हाँ सर, हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खेल लेते, ये बच्चे खेल लेते हमारे साथ में, हमारा किसी के साथ कोई क्रिकेट से कोई मामला नहीं है कि हम उनके साथ खेल लेते नहीं खेल लेते। तो वे लोग आए और आके दो जने बाइक पर, कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई खेल रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा तुम्हें यहाँ क्या मतलब, पाकिस्तान जाके खेलो। पाकिस्तान नफरत का एक ऐसा अल्फाज बन गया है जिसे इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव में वोट का सामान बना दिया। उन्हें मालूम नहीं कि उनकी अनर्गल बयानबाजियां इस अमन पसंद देश को आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम बना देंगी। पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सोचिए, संसद पहुंचने के लिए, सरकार बनाने के लिए, राज करने के लिए इस देश के भाईचारे में आग लगाने वाले इन बयानों ने गुरुग्राम के गुमनाम भूपनगर तक को घसीट लिया। तो पाकिस्तान चले जाइए, अरब चले जाइए, पाकिस्तान अच्छा होगा, वो भारत में रह करके क्या करेंगे? यही तो कह रहे थे भूपनगर के गुंडे कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी खप गई पुश्तों को हम हिंदुस्तानी नहीं मानते, तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्या कर रहे हो भैया? कहने लगे हम क्रिकेट खेलने के लिए, तो पाकिस्तान में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? चश्मदीद बताते हैं कि वो लोग धर्म का नाम लेकर चिल्ला रहे थे कि आज नहीं छोड़ेंगे। घर में मेहमान आने वाले थे, महिलाएं रसोई में थी, और तभी हैवानों के एक झुंड ने दरवाजा पीटना शुरू किया। घर में घुस गया, घर में घुस गया, साल की एक लड़की किसी तरह बचकर ऊपर के कमरे की ओर भागी और वहीं से उसने यह वीडियो बनाया जो आपके सामने है, इस घटना की गवाही बनकर। मैं हाथ जोड़ने लगी, मेरा भैया मान जाओ, उन्होंने कहा हट, लठिया मारी इधर, फिर वो भाला सा लग गया, उन्होंने कहा हट जाओ, मैं रोकती हुई चली गई ऊपर तक, फिर गेट इन्होंने ऊपर से कुंडी लगा ली डर के, तो जंगले को तोड़ दिया उन्होंने भाले से, सारे उसमें को निकल के चले गए। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, किसी को छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें केवल इतना पता था कि यह घर दिलशाद का घर है, दिलशाद मुसलमान है, और मुसलमानों को इस देश में रहने का हक नहीं है, उन्हें पाकिस्तान भेजे। घर के अंदर थे, मैं भी बाहर ही था, बाहर से जब अंदर आया ना, अंदर आने के बाद सीधा मेरे सिर में डंडा मारा, डंडा मारने के बाद मैं तुरंत बेहोश हो गया, फिर मुझे पता नहीं चला मुझे कैसे मारा, कहाँ मारा। बच्चों के खेल के बहाने जो हुआ था वो बच्चों का खेल नहीं था, ये नफरत की खेती की बरसों से बोई जा रही वो फसल है जिसे चुनाव से पहले काटने के लिए बेचैन हो उठे हैं कत्लोगारत के किसान। 50-60 के समथिंग में आने के बाद फिर हम अपने घर के अंदर जो घुसे ना, हमारे पीछे पीछे आए, फिर हम ऊपर चले गए। दिलशाद को मार मार कर बेहोश कर दिया, साजिद घायल पड़ा है, और घर की औरतें हर दस्तक पर डर जाती हैं कि अब की जान ही न ले। दो को तो ऐसी हालत कर दी, बिल्कुल मरे हुए छोड़ के गए। रूह कांप जाती है यह आवाज सुनकर, और यह किसी झुमरी तिलैया झंझारपुर मोकामाई गुट्टा या गुमला की घटना नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घटा है, जिस गुरुग्राम को साइबर सिटी होने पर घमंड। डंडा मारने के बाद मैं तुरंत बेहोश हो गया, फिर मुझे पता नहीं चला मुझे कैसे मारा, कहाँ मारा। सच ये है कि राम राज्य की स्थापना की शोकिया बघारने वालों ने इंसानियत के मोहल्लों में शैतानों की रूहें भर डाली है। ये रूहें मजाक उड़ाती हैं, देश का मजाक, लोकतंत्र का मजाक, आदमी का मजाक, आदमी में आदमी के विश्वास का मजाक, और इस मजाक पर बुक्का फाड़ कर चीखती है मादर हिंद की बेटियां कि हमारे आंचलों के चीथड़े उड़ाकर कौन सा मुल्क बनाने चले हो तुम।